आइए देखते हैं। चलिए, 3 रुपए कमाए हैं, 6 रुपए कर्जा है, तीन बचा नहीं, अब तुम ही सोचो, 3 रुपए कमाया था, 6 रुपया कर्जा, 3 रुपया कर्जा हुआ कि नहीं, तो 3 रुपया कर्जा हुआ तो 10 में से 3 गया, कितना हो गया? अभी देखो, कर्जा 10 में से घटाए हो, कर्जा है ये बचा 8, 9 रुपए कमाए हो, 1 रुपया जो हासिल लिए दोगे ना, 8 और 4 रुपए कर्जा, 4 बचा, अब फिर 5 रुपया कर्जा ले ली, तो 1 रुपए कर्जा रहा, 10 में से गया कितना हो जाएगा, 9, फिर कर्जा चढ़ल है, तो ये बचा 2 रुपए कमाए थे, 1 रुपया कर्जा, तो 1 रुपए, 1 और 9 रुपया कर्जा लेता, 8 रुपए कर्जा, और 1 रुपया कमेली और 9 रुपया उड़ेली, तो 8 रुपए और ना उड़ गया हमारा जेबी से, कर्जा 8 रुपया, अब फिर 5 रुपये, तो यहाँ सुनो, यहाँ पे 2 रुपए तुम्हारा था कर्जा, 1 रुपए कर्जा, और यहाँ पे क्या रुपए, 9 रुपए, तो कितना बचा, 8 रुपए, 8 रुपए तुमको बचा, कर्जा है 8 रुपए, अब फिर दौड़ल दौड़ल 1 रुपया और कर्जा चढ़ा ले लो, तो क्या रुपया कर्जा हुआ, 9 रुपए, तो 10 में से कितना बचे, 1, सही जा रहा है ना, फिर आओ, अभी 1 रुपया तो कर्जा फिर चढ़ गया, 3 रुपया कमाया तो 2, अब 2 और 7 रुपए कर्जा, 5 रुपए कर्जा, 5 रुपए कर्जा हो गया, 5 रुपए कर्जा, तो 5 बचेगा, अभी कितना बचेगा, 7,